अच्छा भैया आप कितने साल के हैं? मैं 19 साल का। 19 साल के? अच्छा तो फिर आप बचपन से क्या बनना चाहते थे? मैं बचपन से टीचर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते थे टीचर? इसीलिए कि हमारे गांव में साथी सभी टीचर बन रहे थे, इसके लिए सभी सोचा मैं भी टीचर बनता। और मतलब क्या क्या चाहते थे कि आप बड़े हो टीचर बने, टीचर बन के बच्चों को पढ़ाए? मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब इंटरेस्ट में था आपका बचपन में? बचपन में यही सब था, बच्चों को पढ़ाया। आप स्कूल गए हैं? स्कूल गए 8 क्लास तक पढ़ाए। 8 क्लास तक पढ़े, फिर उसके बाद सीधा ज्वाइन कर लिया ये इधर? ज्वाइन कर दिया, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए ज्वाइन कर लिया। तो आप कब आए यहाँ बैंगलोर? 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गया, कहाँ रह रहे हैं? कामाची पलिया। वहाँ पे मतलब आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है ऐसा है जैसा गांव है, जैसा ऐसा है। आपको अपने घर की याद आती है? घर की याद आती है, क्या करना है। माँ बाप से बात करते हैं रोज? हाँ पापा से बात करता है। कैसा लगता है यहाँ? जैसा गांव में लगता है ऐसा लगता है, जो मन लगाने पर तो सही मन लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। अच्छा, और आपको यहाँ पे अपने गांव से और यहाँ पे क्या डिफरेंस महसूस होता है, क्या फ़र्क नज़र आता है? यही डिस्पेंस महसूस होता है कि परिवार के साथ में रहता तो अच्छा रहता है, और क्या इधर कमाने में मजबूरी है तो क्या करना, कमाना खाना पड़ता है ना। बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ भेज दिया गया? वो मेरा पापा का वो पैर का एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए मेरा मजबूर होकर कमाने पढ़ाने तो पढ़ाई करता है। अच्छा, आपको क्या पढ़ाई करनी थी, आगे कंटिन्यू करना था? करना था, लेकिन बचपन में पापा का पैर टूट गया तो कोई करने वाला नहीं था। आप सबसे बड़े हैं घर में? आपके और कितने भाई बहन? एक भाई है छोटा। वो क्या कर रहा? वो भी गांव में पढ़ाई कर रहा। कितने क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में, वही क्लास जिसमें आपने पढ़ाई छोड़ी? छोड़ी। तो आप अगर उसको देखते हैं और अपनी ज़िंदगी कंपेयर करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या उसको भी एक बार यहाँ पे आके दोबारा काम कराना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आप उसको इसलिए सोचता है कि हमसे आगे कुछ बढ़े तो हम कमा खा रहा है, उसको नहीं सचा। बहुत अच्छा, शुक्रिया भैया।